दोस्तों अगर आपने अमेजोन से कोई टीवी वी परचेस किया है या फिर टीवी वी परचेस करने के बारे में सोच रहे हैं तो आपके मन में ये डाउट जरूर होगा कि अमेज़ोन से अगर हमने कोई ऑनलाइन टीवी वी परचेस किया तो टीवी वी परचेस करने के बाद हमारे घर पे आएगी तब उसका इंस्टॉलेशन किस तरीके से होगा क्या हमें अमेजोन ख़ुद इसका इंस्टॉलेशन प्रोवाइड करेगा या फिर जो कंपनी या जिस ब्रांड की टीवी हमने परचेस की है वो ब्रांड हमें टीवी वी परचेस करने के बाद इंस्टॉलेशन करवा के देगी क्या हमें खुद ब्रांड को कांटेक्ट करना पड़ेगा या अमेजोन को कांटेक्ट करना पड़ेगा या फिर अमेजोन या वो पर्टिकुलर ब्रांड की टीवी वाले आपसे कांटेक्ट करेंगे और आपके यहाँ पे टीवी का इंस्टॉलेशन होगा क्या वॉल माउंट इंस्टॉलेशन में कोई चार्ज लगेगा आपको क्या वॉल माउंट स्टैंड जो है वो चार्जेबल होगा इन सारे सवालों के जवाब इस वीडियो में आपको मिलने वाले हैं तो वीडियो को ध्यान से जरूर देखिएगा दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और साथ में ही इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें दोस्तों आप देख रहे हैं इन्फोटी स्टैक मेरा नाम है अमित चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों अमेजोन एक बहुत ही ट्रस्टेड ई कॉमर्स वेबसाइट है जहाँ से आप कोई भी प्रोडक्ट ऑनलाइन परचेस कर सकते हैं हम बात टी की कर रहे हैं तो टी वी परचेस करना भी आम प्रोडक्ट परचेस करने जैसा ही सिंपल आसान है बस आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है कुछ टी में इंस्टॉलेशन अमेजोन की तरफ से मिलता है कुछ टी में इंस्टॉलेशन जो है वो ब्रांड की तरफ से मिलता है आपको ये चीज़ जरूर चेक कर लेनी है कि किस टी में इंस्टॉलेशन आपको फ्री मिल रहा है किसमें चार्जेबल है आपको हो सकता है कोई ऐसी रिमोट लोकेशन पे आप रहते हो जहाँ इंस्टॉलेशन प्रोवाइड ना हो रहा हो पर्टिकुलर ब्रांड से उस केस में आप अमेजोन कस्टमर केयर को कांटेक्ट करके और वहाँ से इंस्टॉलेशन करवा सकते हैं शुरुआत से शुरू करते हैं आपको सबसे पहले टी वी ऑर्डर करने के पहले ये चेक कर लेना है कि इसका जो इंस्टॉलेशन है वो हमें कौन प्रोवाइड कर रहा है अगर अमेजोन की तरफ से प्रोवाइड होगा तो उसमें आ जाएगा सर्विस सेक्शन में इंस्टॉलेशन एंड डैमो में कि अमेजोन की तरफ से यहाँ पे इंस्टॉलेशन किया जा रहा है अमेजोन होम सर्विस के नाम से होगा अदरवाइज़ पर्टिकुलर ब्रांड कर रही है तो आपको एक सेक्शन मिल जाएगा इंस्टॉलेशन एंड डैमो का जहाँ पर आपको ये सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी कि किस कि तरीके से इंस्टॉलेशन होगा वॉल माउंट चार्जेबल है नहीं है स्टैंड के जो भी चार्ज हैं वो सारी चीज़ दिख जाएंगी साथ में ही पर्टिकुलर ब्रांड का आपका जो है कस्टमर केयर नंबर भी आपको मिल जाएगा मोस्टली एम की टी या फिर साउमी की जो टी वी हैं वो आपको कंपनी के द्वारा मतलब एम कंपनी के द्वारा ही वॉल माउंट करवा के दी जाती हैं आप कंप्यूटर स्क्रीन में भी देख सकते हैं सैमसंग की टी को सैमसंग खुद इंस्टॉल करके देता है तो दोस्तों आपने चेक कर लिया और आपने टी वी ऑर्डर कर दी आपने जैसे ही टीवी ऑर्डर की और जब आपके पास टीवी डिलीवर होगी तो अगर एमेजन की तरफ से आपको सर्विसेज मिल रही हैं तो आपको विद इन फोर्टी एट आवर्स और उससे पहले ही अमेजोन की तरफ से कॉल आ जाएगा इंस्टॉलेशन और डेमो के लिए जो उनके एक्सपर्ट्स हैं वो आपके पास कब विजिट करेंगे और एक म्यूचुअल टाइम देख के और उस हिसाब से आपके यहाँ पे टीवी का इंस्टॉलेशन होगा और अगर आपकी टीवी का इंस्टॉलेशन पर्टिकुलर कंपनी के द्वारा होने वाला है जिस ब्रांड टीवी आपने परचेस किया है उसके द्वारा होने वाला है तो इस केस में आपको ध्यान रखना है कि जैसे ही आपके घर में टीवी डिलीवर हो आपको टीवी डिलीवर होने के साथ में ही कंपनी के कस्टमर केयर नंबर को जो इंस्टॉलेशन एंड डेमो के लिए आपको प्रोवाइड किया गया है उसको कॉल कर लेना है और कॉल करके आपको इंस्टॉलेशन के लिए डिमांड कर लेना है आपको प्रिकॉशनरी अपनी तरफ से ही कॉल कर लेना है और आपका जो इंस्टॉलेशन एंड डेमो है उसके लिए अपॉइंटमेंट बुक कर लेनी है आपको कंपनी के कॉल आने का वेट नहीं करना है अमेजोन से टीवी वी परचेस किया है उस केस में तो आपके पास अमेजोन से खुद ही कॉल आ जाएगा खुद ही एक मेल के थ्रू आपके पास इन्फॉर्मेशन आ जाएगी और उसके बाद कॉल से आपकी जो है इंस्टॉलेशन की सारी टाइमिंग फिक्स हो जाएगी लेकिन अगर आपको इंस्टॉलेशन ब्रांड से मिलने वाला है उस केस में आप खुद से ही कॉल कर लें और सारी चीज़ें फिक्स कर लें कि किस डेट को कब करवाना है आपको क्योंकि जो टी की रिप्लेसमेंट विंडो है वो टेन डेज़ की होती है तो आपको कोशिश करना है कि जैसे ही आपके पास में टी डिलीवर होती है आपको कस्टमर केयर को कॉन्टैक्ट करके और अपॉइंटमेंट बुक कर लेना है और आपको जल्दी से जल्दी आपकी टीवी का डेमो इंस्टॉलेशन करवा लेना है जैसे ही आपका डेमो इंस्टॉलेशन हो जाता है आपकी टीवी भी चेक हो जाती है आपकी गारंटी वारंटी भी वॉइड नहीं होती है और साथ में ही आपको अगर टेन डेज के अंदर कोई भी प्रॉब्लम समझ में आती है टीवी में तो आप आसानी से अपनी टीवी का जो है रिप्लेसमेंट ले पाएँ साथ में ही दोस्तों अगर हम टीवी के वॉल माउंट स्टैंड और इंस्टॉलेशन के चार्जेस की अगर बात करते हैं तो आपको इंस्टॉलेशन बहुत सारी टीवी में फ्री मिल जाता है कुछ टीवियाँ जो नॉन स्मार्ट टीवी हैं साथ में ही कुछ टीवियाँ जो 32 इंच के नीचे हैं उनमें आपको इंस्टॉलेशन के चार्जेस लगते हैं वो आपको चेक कर लेना है आप जब प्रोडक्ट को बाय करते हैं उस टाइम पे कि, कि किस में चार्जेबल है किस में नहीं है टी को परचेस करते समय आप इन बॉक्स डिस्क्रिप्शन में चेक जरूर कर लें कि अगर आपकी टी के साथ में माउंट स्टैंड है तो फिर आपको इंस्टॉलेशन के टाइम पे वॉल माउंट स्टैंड का कोई चार्ज नहीं देना है साथ में ही आपको ये देख लेना है कि आपको अगर टीवी के साथ इंस्टॉलेशन के टाइम पे वॉल माउंट फ्री मिल रहा है तो आपको फिर भी आपको वॉल माउंट के लिए कोई चार्ज नहीं देना है पर मोस्टली टीवी में आपको वॉल माउंट के लिए अलग अलग साइजेस के हिसाब से चार्ज देने पड़ेंगे जो कि वॉल माउंट स्टैंड का चार्ज है जो आपका दो सौ से लेकर कर पाँच सौ के बीच में मोस्टली टी का है और कुछ स्पेशल टाइप के स्विंग वाले जो हैं वॉल माउंट उनके चार्जेस अलग अलग हैं वो लगभग आपके पंद्रह सौ रुपये से चालू होकर तीन हजार रुपये तक जाते हैं अलग अलग टीवी के हिसाब से इस तरीके से आपको वॉल माउंट के चार्ज भी लगेंगे जो कि आपको इंस्टॉलेशन के टाइम पे देने होंगे तो बस दोस्तों इस तरीके से आपकी टीवी का आसानी से इंस्टॉलेशन हो जाएगा और इंस्टॉलेशन कंप्लीट होने के बाद में एक कन्फर्मेशन मैसेज आपके पास आएगा उसमें एक ओ होगा वो आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा जो इंस्टॉल करने आए हैं उन बंदों को और बस आपकी जो इंस्टॉलेशन प्रोसेस है कम्प्लीट हो जाएगी तो दोस्तों इस तरीके से आप अमेजोन से अगर आपने कोई टीवी वी परचेस किया है किसी भी ब्रांड का हो उसका घर पे इंस्टॉलेशन करवा पाएंगे इंस्टॉलेशन में आपको कोई दिक्कत है या कोई भी क्वेरी है कि आपको इस टीवी पे या उस टीवी पे इंस्टॉलेशन फ्री है कि नहीं है क्या चार्जेस है कोई भी सवाल आपके पास है आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं हम सारे सवालों के आपके जवाब देंगे आपको कोई भी दिक्कत आ रही है इंस्टॉलेशन में उससे रिगार्डिंग भी आप सवाल पूछ सकते हैं एक बार फिर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों और साथ में इस वीडियो को लाइक कर दें आप देख रहे थे इन फुटिस्टैक मेरा नाम है अमित मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत